आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। अनु जी, बिनौला खल में क्या लगता है आपको? बिनौला खल में हमने 3000 का लेवल नीचे में टूटता हुआ देख चुके हैं, 2800 के लगभग करीब बिनौला खल ट्रेड करता नजर आ रहा है। अब क्या बिनौला खल में इससे भी ज्यादा भाव गिरेंगे या फिर निचले स्तर से खरीदारी भी लौटेगी? देखिए, जो हमने टारगेट दिया था करीबन 2900 का, वो यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अभी और यहाँ पे गिरावट का कंटिन्यू रहेगा और एक्सपेक्टेड भाव नीचे करीबन 2700 के लेवल को छू सकते हैं। तो बिकवाली का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे जारी है, क्योंकि डिमांड जो है वो यहाँ पे थोड़ी वीक होती हुई दिखी है। हमें लगता है कि अभी कॉटन सीड ऑयल केस में नरमी का ही रुख आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जी अनु जी, कॉटन में क्या रहेगा? M6 कॉटन की बात करें अगर, तो क्या M6 कॉटन में भी यहाँ से कुछ करेक्शन देखने को मिलेगी या फिर इन स्तरों से, इन लेवल से खरीदारी फिर से लौट जाएगी? देखिए, कॉटन के अंदर भी हमें लगता है कि यहाँ पे नरमी का रुख देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट कम किया है और यहाँ पर आने वाले दिनों में नई सोइंग भी स्टार्ट होगी, तो हमें लगता है कि कॉटन के प्राइसेस में नरमी देखने को मिलेगी और भाव नीचे करीबन 43000 तक के लेवल को छू सकते हैं। जी, आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।